जैसे ही हम टीनेज में एंटर करते हैं हमारे माइंड में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। डू आई नीड अ स्किन केयर रूटीन? व्हाट एज शुड आई स्टार्ट स्किन केयर रूटीन? व्हाट इज माई स्किन टाइप? शुड आई ट्राई होम रेमेडीज? व्हाट टू अवॉइड ऑन माई स्किन? हेलो टीन्स, डोंट वरी, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस हियर इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या आपको स्किन केयर रूटीन करना चाहिए? तो इसका आंसर है आप बिग यस। यस, वी रियली नीड अ गुड स्किन केयर रूटीन, बिकॉज जब हम टीनेज में एंटर करते हैं हमारे होते हैं हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, ब्रेकआउट्स, ब्लैक हेड्स, क्रॉक पोर्स। तो इन सबसे बचने के लिए वी रियली नीड अ गुड स्किन केयर रूटीन। फॉर स्किन केयर रूटीन यू जस्ट नीड द राइट प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। हमें अपना स्किन टाइप पता करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनको पता है गुड, जिनको नहीं पता डोंट वरी, मैं आपको वो भी बताऊंगी। पहले स्टार्ट करेंगे हम स्किन केयर, देन आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेप नंबर वन इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर विल कीप योर स्किन हाइड्रेट एंड ग्लोइंग। स्टार्ट योर डे ऑलवेज विद द वाटर। स्टेप टू इज क्लींजिंग। The most important step in any skincare routine is cleansing. Always cleanse your face at least twice or thrice a day with a chemical-free face wash. Step number 3, toning. It is necessary कि आप toner use करें after cleansing, because ये oil production को रोकता है and आपके skin के pH level को maintain करता है, आपके pores को भी tight करता है and dirt impurities को भी हटाता है आपके skin से। So don't forget to use a toner after cleansing. स्टेप नंबर 4 इज मॉइस्चराइजिंग। आपका स्किन टाइप कोई भी हो, फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चराइजर आपके स्किन के हिसाब से यूज़ करें, बट ज़्यादा हैवी मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ करना है, बिकॉज इट कैन क्लॉग योर पोर्स ऑल्सो। एंड डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज योर लिप्स। स्टेप नंबर 5 इज यूज अ सनस्क्रीन। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्किन केयर and this is the most important step. बाहर जाने से पहले make sure half hour पहले sunscreen लगा लें and तभी बाहर जाएं. Don't skip. तो हमने बात कर ली स्किन केयर रूटीन की, हमें क्या करना चाहिए। अब ये कौन बताएगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए स्किन पे, जो कि हम प्रॉब्लम फेस ना कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो भी मैं ही बताऊंगी कि हमें स्किन पे क्या नहीं करना चाहिए, बट हम पहले बात करेंगे कि हम अपना स्किन टाइप कैसे पता करें, जो कि हम राइट प्रोडक्ट यूज कर सके अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो चलो पता करते हैं हम अपना स्किन टाइप कैसे पता करें। तो स्किन टाइप पता करने के लिए सबसे पहले हमें अपना फेस वॉश करना है, और हमें आधे से एक घंटे से ऐसे ही छोड़ देना बिना कोई प्रोडक्ट अप्लाई करे। जैसे ही हमें आधा या एक घंटा हो जाएगा हमें क्या करना है, सबसे पहले स्माइल करनी है। हम स्माइल करेंगे, और अगर हमें फील होता है हमारा स्किन स्ट्रेच हो रही है, ड्राई हो रही है, पैचेस ही हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है, मतलब हमारी स्किन खिंच रही है स्माइल करते हुए, तो हमारा स्किन टाइप ड्राई स्किन है। अगर आपको अपना फोरहेड एंड नोज हल्का सा शाइन लग रहा है तो आपका स्किन टाइप है नॉर्मल। अगर आपकी नोज, फोरहेड एंड चीक्स अगर ये ज़्यादा शाइन कर रहा है, ऑयली ऑयली सा लग रहा है, तो आपकी स्किन टाइप है ऑयली स्किन। एंड अगर आपका टी जोन ऑयली है एंड ये जस्ट ड्राई है, तो आपका स्किन टाइप है कॉम्बिनेशन। स्किन टाइप पता करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप ये चीज़ फॉलो करिए, आपको अपना स्किन टाइप पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे हमें अपनी स्किन पे क्या चीज़ बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली नहीं लगानी चाहिए। तो पहली चीज़ है टूथपेस्ट, लेमन, बेकिंग सोडा, ऐसी चीज़ें हमें अपने फेस पे कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करनी चाहिए। सेकेंड है डोंट अप्लाई टू मच मेकअप। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज आप अभी टीनेजर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करना है, आप बहुत ही लाइट और सबल मेकअप के साथ जा सकते हैं। थर्ड, डोंट अप्लाई हार्श स्क्रब ऑन योर फेस। ओके, आपको कोई भी हार्ड या हार्श स्क्रब अपने चेहरे पे नहीं लगाना है, वो आपके पोर्स ओपन कर देगा और उसके अंदर डर्ट एंटर करेगी और आपके हो जाएंगे ब्रेकआउट्स। तो डोंट अप्लाई हार्श और हार्ड स्क्रब्स ऑन योर फेस। Not doing any स्किन केयर इज ऑल्सो अ मिस्टेक। हमें हमेशा स्किन केयर करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना स्किन केयर बहुत ही सिंपल रखें, क्योंकि आप टीनेजर हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े स्किन केयर के साथ बिल्कुल नहीं जाए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव स्किन केयर फॉलो करें अपने स्किन को हेल्दी और मेंटेन करने के लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर टिप्स।
सबसे पहला है वॉश योर फेस ट्वाइस और थ्राइस अ डे. सेकेंड इज ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग एनी प्रोडक्ट ऑन योर फेस लाइक दिस. टिप नंबर 3, ऑलवेज वॉश योर फेस बिफोर गोइंग टू बेड. ओके, फोर्थ टिप है हमारी एक्सफोलिएट योर फेस वंस अ वीक. अभी आप कहेंगे आपने तो मना करा था स्क्रब लगाने के लिए, बट मैं यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड और हार्ड स्क्रब के लिए मना किया. आप एक्सफोलिएशन के लिए शुगर ले सकते हैं, हनी उसमें मिक्स करके वीकली आप उसको अपने चेहरे पे लगाएंगे, वो आपको ग्लो देगा, आपका डर्ट रिमूव कर दे और डेड सेल्स भी रिमूव कर देंगे. तो आप इस एक्सफोलिएशन के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड इफेक्टिव है. ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें अपने स्किन केयर रूटीन में, आप अपने स्किन में बहुत अच्छा चेंज देखेंगे, ट्रस्ट मी. स्किन केयर के साथ साथ हमें अपना बॉडी और हेयर का भी ध्यान रखना चाहिए, तो आप मेरी दोनों वीडियोस देख सकते हैं अपना हेयर केयर एंड बॉडी केयर को मेंटेन करने के लिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइस, लव यू.